जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद एजाज बुखारी। तमाम तर बच्चे जो तख्लीकी सलाहियतें रखते हैं, क्रिएटिव होते हैं, उनसे तो रटा लगता नहीं, और जब उनसे रटा नहीं लगता और इम्तिहान रटा मांगते हैं तो वो अक्सर रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि बड़े बड़े इदारों के सरबराहान को जाकर देख लें तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये वही लोग थे जिनसे रटा नहीं लगा था, क्योंकि वो क्रिएटिविटी वाले लोग होते हैं। आप क्रिएटिविटी वाले लोगों को देखिए, बड़ी खूबसूरत, मतलब न्यूटन की नहीं कोई और एक साहब हैं वो जिनके वाइट वाइट बाल हैं, तो उन्होंने एक मिसाल दी थी कि अगर आप दरख्त पे चढ़ने के लिए मछली को कहें कि तूने भी दरख्त पे चढ़ना है, और बंदर से कहें कि तूने भी दरख्त पे चढ़ना है, और हाथी से कहें कि तूने भी दरख्त पे चढ़ना है, तो ये उनका काम नहीं है। हाथी का काम शायद उस दरख्त को उखाड़ फेंकना होगा, मछली का काम समंदर में या पानी में तैरना होगा। हाँ, बंदर वहाँ जा सकता है, वो अपनी हरकतें कर सकता है। तो ऐसा मत कीजिए। आपके बच्चे इनफरादियत हैं। रब्बे कायनात ने हर एक को मुख्तलिफ बनाया है, हर एक के अंदर सलाहियतें रख दी हैं। आप अपने, मुझे याद है इंडिया के एक बड़े को साहब थे, उनका बच्चा फेल हुआ तो उन्हें अच्छा खासा जश्न मनाया और वहाँ लोगों को बुलाया, और जश्न मना कर उन्हें लोगों को बताया कि फेलियर को भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। और सुनने में आता है कि फिर उन्हीं का बच्चा बहुत बड़ा काम करने वाला इंसान बन के दुनिया के सामने आया है। तो आप अपने बच्चों को बचाएं, आप अपने बच्चों को बचाएं, आप अपने बच्चों को बचाएं। शायद आपको ये जुमला सुन के लगे, मैंने तीन दफ़ा इसीलिए कहा कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो आप ही की वजह से कहीं ना कहीं आपके मुआशरे में किसी खाला की वजह से, किसी फूफो की वजह से, किसी चचा मामू या इर्द गिर्द के दोस्तों की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी का शिकार होता चला जा रहा है। वो नाकामी को ज़िंदगी से नाकाम होना समझ लेते हैं, हालांकि वो लम्हा भर की एक नाकामी है। ठीक है, आप उसे दोबारा पेपर दिलाना चाहते हैं, मोटिवेट करेंगे तो वो दोबारा पेपर देगा। और अगर हारे हुए शख्स को हार का बार बार इल्ज़ाम देकर आप उसे अगर आगे लेकर जाना चाहेंगे तो उसके नतायज अच्छे नहीं निकलेंगे। और ये बात मैं आपसे बुनियाद तो मैं मैट्रिक के रिजल्ट को बना करूँ, जो कि रिजल्ट अभी वही आया हुआ है। इसके अलावा बहुत से रिजल्ट्स हमारे, ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स नहीं होते, ये भी तो रिजल्ट्स आते हैं, और वो हमें बताते हैं कि भाई ये तुम्हारे मसाइल है और इसका हल मौजूद है, तुम उस तरफ चले जाओ, हम उसका डिप्रेशन लेके बैठ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप देख लीजिए, आप कहीं आइल्स का टेस्ट देते हैं, स्पोकन इंग्लिश का देते हैं, पीटीई का टेस्ट देते हैं, और बथेरे टेस्ट पड़े हुए हैं। अब सबके सब जब टेस्ट देते हैं तो उन टेस्ट के साथ एंजाइटी जुड़ी होती है, तो उसे एक्सेप्ट करें। जैसे मैंने इब्तदाई में बताया, उसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो आधी एंजाइटी तो वहीं ख़त्म हो जाएगी, और फिर उसे एड्रेस करना शुरू करेंगे। और ये काम वालिदैन का है। अरे यार, जिसने ठीक रखना है ना, उसका ठीक रह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खुदा आपको हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। इख्तलाफ राय का हक आप महफूज रखते हैं, बज़रत तर्ज़ इख्तलाफ राय का ख्याल रखिएगा।